रोल। काका बाबा बताने राम राम, हूँ तुम्हारी वस में आ गया मुकेश परमार खबर लेन। आज से जे प्राचीन मंदिर जे डाहाडाना जमाना में जो मंदिर हतु इन मंदिर ने तो मन उतारू ये देवल फलिया में जो शिव मंदिर भोलेनाथ नु जो मंदिर से यू आज सोमवार श्रावण महीना सोमवार दूसरो से तो मन उतारू एक अंदर दर्शन भी कराऊँ केवी रीते शिव भगवान जो मंदिर से जो पुराणों परंपरा अनुसार जो साली रही है तीन हमने जीर्णोद्धार भी करो के खदार्य से मंदिर ने एवं रीते तो मन हूँ दर्शन कराऊँ अंदर भोलेनाथ आज सोमवार श्रावण सोमवार दूसरो सोमवार से तीमा तुम्हारी वस में हूँ डायरेक्ट भोलेनाथ भगवान दर्शन करी रो से आओ तो मन बताड़ू के रीते ये पांच मुखी से भोलेनाथ जो मंदिर से पांच मुखी जो मंदिर से भोलेनाथ तो मन बताड़ू कि ये पुराणी जे डाहाडाहा जमाना ये मंदिर से पांच मुखी मंदिर से जहाँ पुरानी रीति रिवाज से त्यूनी बनावटी से त्यू केवी रीते से ये भोलेनाथ अने पांच मुखी जो मंदिर है पांच मुखी शिवलिंग जे भोलेनाथ नु ये शिवलिंग से और इसे तमनु बताड़ो कि यहाँ पांच मुखी मंदिर से पांच मुखी शिवलिंग है ये डाहाडाहा के पुराना जमाना ना जो ऋषि मुनि होते आया तिहुना जमाना थी ये पंचमुखी इनके हेवी रीते तमन हूँ बताड़ो कि ये मंदिर देवल फलिया में से तीनों आज हूँ तुम बहार नहीं बनावटी केवी रीतने से आज ना जमाना जो बनावट से हेवी रीते पुराना जमाना नी साली रही आज ना जो कारीगर से त्या बनावी नहीं सके इनी बात तमन हूँ बताड़ू कहाँ जो नर्मदा नु नदी नु जो पानी से क्यों केवी रीते तीन जलधारा से इनी प्रकृति तमन बताड़ू कि ये बनावटी केवी रीते से ये जो बनावटी से ये पुराना जमाना नहीं आज ना जमाना में कारीगर कोई बनावी नहीं सके एवं रीते तो हूँ देखो कि पूरा भाटा नो भाटा एवं भी कि पहला जो भाटा होता है वह आज भाटा नहीं जड़ रहा त्यों बनावा में दिक्कत आवे केवी रीते आवे तो हूँ तो मन बताड़ो हमने अँ ली जाऊँ कि जो नर्मदा नर्मदा नदी जो पानी आ रो के शिव भगवान ने मतलब अभिषेक करवा हारू कोई दिन पानी खत्म नहीं थाय तो मन हूँ बताड़ू कि पहलू जीव जीव पानी से नर्मदा जीव पानी से अँ जो जलधारा आ रही से जो जलधारा आ रही जो विहीन आवे से यू जो अभिषेक करावा हारू मंदिर में यी अभिषेक करावे मतलब कि जल भगवान भोलेनाथ भगवान ने पानी जल चढ़ावे तो हेवी रीते ये हमने हूँ जो कहानी तुमन बता रहे ये कि देवल फलिया में शिव मंदिर से हेवी रीते तुमन हूँ अँ पूछूँ इना इनी पूरी पंडित ने भी पूछी यहाँ के जो पुजारी कौन से केवी रीते से त्यूनी जमाना में बनी आवी हूँ पंडित जी ने पूछी कि मंदिर कितना समय थू उसे तमन मालूम से ये करीब करीब 2000 साल पुराना है मंदिर और ये क्या यति लोगों ने बनाया यति लोगों ने इमा खास बनावटी जैसे घनी वर इतनी इमा केवी रीतने पत्थर से या खून से आज ना जमाना में जो बनावट वैसे तो बनी नहीं सकती ये मशीनों से भी बन सकता और आज के कारीगर बना भी नहीं सकते। अच्छा ये यति लोगों के द्वारा ही इसकी घड़ाई की गई। खास इस मंदिर में क्या खासियत है जो पंचमुखी भी है इसमें? ये पंचमुखी शिवलिंग है यहाँ पे और एक ही रात में ये मंदिर तैयार हुआ था। कुछ हिस्सा गिर गया था तो पुरातत्व विभाग ने इसको बनाया भी सही, मतलब जीर्णोद्धार हुआ, मतलब फिर से पंचमुखी है और नर्मदा का पानी भी है। वो क्या है उसकी कहानी? ये मतलब बरसों से ये जलधारा बंद ही नहीं होती है, 12 महीना एक जैसी चलती है, भले गर्मी कितनी भी हो, आसपास सभी एरिया में पानी भी खत्म हो जाता है बाकी यहाँ का पानी चालू रहता है। थोड़ा बहुत भी आएगा मतलब चालू तो रहेगा ही, बंद नहीं होता। और ये नर्मदा का पानी बताते हैं। आज सोमवार है, श्रावण का दूसरा सोमवार है, लोग श्रद्धालु बड़ी लोग आ रहे हैं, मतलब महाशिवरात्रि के रोज तो यहाँ मेला लगता है और पूरे सावन भर सावन के महीने में श्रद्धालु आते ही हैं। तो हेवी रीते मन हूँ बताड़ू कि जे भोलेनाथ जे देवल फलिया में जो मंदिर से जो पुराना डाहाडाहा जमाना जे ऋषि मुनि होता त्यू बनायू त्यू प्रकृति ने आप तुम बनावट भी भाड़ी से हूँ तुम तीन हारू आ पूरी देवल फलियाना मंदिर ने स्टोरी तीना बारा में तीन हूँ से केवी डाहाडाहा जमाना हतु हेवी रीते ये पूरी कहानी तुमने बताड़ी। फेर तमन हूँ हेवी नव मंदिर फेर बीजी कहीं नहीं खबर लेने आते रही तुम्हारी बस में। मुकेश परमार काका बाबा बधाने राम राम, हूँ तुम्हारी बस में फिर हेवी खबर लेने आते रही। राम राम।